हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। वो हजूरी जहां आपको चिंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी बरकत के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मूसा ने एक सांप को ऊंचे पे टांगा और परमेश्वर के कई अनुसार बाइबल में लिखा है कि यहोवा ने कहा था कि जो कोई भी सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप को देखेगा वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। उसी रीति के साथ इंसान का पुत्र यानी कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और बाइबल में लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। कितने जन तैयार है आज वर्शिप में जाने से पहले, वर्शिप में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज के थीम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज की वर्शिप में पिता अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करते हैं। जब तेरा वचन, जब तेरा दास, जब तेरा आत्मा हमारे जीवन के प्रति बोले पिता परमेश्वर, प्रभु हम अपने आप को तैयार करते हैं आज के वचनों के लिए, आज के सुसमाचार के लिए। प्रभु जब तेरा आत्मा मेरे परिवार के प्रति, मेरे जीवन के प्रति बोले पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हम चिंगाई को ग्रहण करें पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुना मसीह के वचनों में से आता है। मेरे सामर्थी परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हम मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो, वेलकम करो परमेश्वर का अपने जीवनों में आज के दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम इसी रीति के साथ वर्शिप में बने रहेंगे। अपने हाथों को लो, सब अपने हाथों को लो, हम सब वर्शिप में चलेंगे। उसने पाक साफ किया।
Oh,
धरे सुन के आचना, सुन मेरी प्रार्थना। दिखाता मेरा पाक खुदा, अपनी सिद्धि राह
सकते हैं। खड़े होकर वर्षिप करो हर एक जन, अपने स्थानों पे खड़े होकर वर्षिप करो हर एक जन। बुराई तो बचाउंदा मेरा पाक खुदा, हर बुराई तो बचाउंदा मेरा पाक खुदा, हर बुराई तो बचाउंदा मेरा पाक खुदा, हर बुराई तो बचाउंदा मेरा पाक खुदा, अपनी सच्ची राह दिखाउंदा मेरा पाक खुदा, अपनी सच्ची राह दिखाउंदा ऊंची आवाज में हर बुराई तो बचाउंदा। आप स्थानों में खड़े हो जाओ, जब आप स्थानों में होकर अपने खड़े होकर वर्षिप करो हर एक जन। मेरा पाक खुदा, अपनी सच्ची राह दिखाउंदा 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 मेरा पाक खुदा, मेरा पाक खुदा, मेरा पाक खुदा, मेरा पाक खुदा, मेरा पाक खुदा। अपनी बाइबल को साथ ले लो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे को छुड़ाए, आज का वचन मेरे को आजाद करे, और आज का वचन मेरे को सही मार्ग दे। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए सज्जन, मेरे को आज का वचन छुड़ाए, आज का वचन खड़ा करे, आज का वचन मुझे तेरी महिमा के लिए आकर्षित करे, और मेरे जीवन से तेरी महिमा उत्पन्न हो। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए, आज के वचन को सुनकर मैं अपने जीवन के पीछे से तेरे को महिमा दे सकूं। अपने जीवन में जो भी चीजें जुड़ी हैं वह तेरी महिमा का कारण ठहरे, मेरा काम तेरी महिमा का कारण ठहरे, मेरा बोल चाल तेरी महिमा का कारण ठहरे। हर एक जन अपने हाथों को उठा दो, करो आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए, आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा दो, अपने हाथों को
बाइबल को हिलाते जाओ और मनन करो परमेश्वर के वचन के ऊपर। तारीफ करो खुदा के, जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने हाथ को उठाओ फिर से, प्रभु मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु तूने मुझे बुलाया, मेरा चुनाव भी कर। अगर तू मेरा चुनाव कर चुका है तो मैं उस चुनाव को सिद्ध कर सकूं। मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। हर एक जन अपने हाथों को उठाओ। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए
बोलो बोलो, मेरे को बुलाए आ चुन भी, अगर चुने तो प्रभु मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, तेरी प्रेजेंट के लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, तेरी हजूरी के लिए, तेरी हजूरी मुझ में दिखे, तेरी हजूरी मेरे साथ रहे, तेरी हजूरी में मैं साथ साथ चलूं। खुदाबंद मुझे तू इस्तेमाल कर। अपने हाथों को उठाते हुए सज्जन, सब सब ये शब्द बोलो, रेवी मेरी जिंदगी का निशान, तेरी सली मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। सब तारीफ करो खुदा को। हालेलुया। बैठ जाओ, अपनी बाइबल को साथ ले लो। आज कौन इस्तेमाल होना चाहता है प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए कौन इस्तेमाल होना चाहता है? आज हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं सेवा करूं, लेकिन कुछ टाइम प्रभु की सेवा कर पाते हैं, कुछ टाइम सुख समाचार सुना पाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, और कई लोग तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाते। आज मैं इसी विषय में बात करूंगा। हजारों में से कई लोग, कुछ कुछ लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा, हजारों लोगों में से, हजारों को नहीं। मैंने मैंने मंगलवार रात को आपसे बात की है इस विषय के ऊपर। हजारों लोगों में से कम लोग होंगे जो परमेश्वर के कामों को करेंगे, हजारों लोगों में से। हालेलुया। और जो काम करेंगे, जो परमेश्वर की सेवा करेंगे, जो परमेश्वर के कामों को, सुख समाचार को आगे लेकर जाएंगे, वो परमेश्वर की नजरों में अनमोल होंगे, बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे। लेकिन कौन प्रभु के कामों के लिए निकल पाएगा? कौन इस्तेमाल हो सकेगा प्रभु के कामों के लिए? मैं आज ये बात करना चाहता हूं आपसे। हालेलुया। आप नहेमिया को जब पढ़ते हो, एक अध्याय एक वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम देखते हैं, वहां पे कुछ वाक्य, कुछ लोग नहेमिया को मिलने के लिए आए। पढ़ते हैं हम थोड़ा वचन। नहेमिया एक अध्याय उसके दो वचन से स्टार्ट करो। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूट कर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़े दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक चले हुए हैं।
ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। बस 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 एक वचन को और पढ़ना, यूहन्ना 6 उसका 9 वचन। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है। बस एक वचन को और पढ़ो, मत्ती 27 अध्याय उसका 57 वचन देखो, 57। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो अपने जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। कौन प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? जो लाइफ में कंजूस नहीं है, जो हर बात में कंजूसी करे, वो प्रभु के कामों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक ड्राकल व्यक्ति कभी भी प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक डरने वाला व्यक्ति और एक वो व्यक्ति जो ये कहे कि सब मेरे सर के ऊपर ही है, सब मैं ही करूं और कोई खुदा को नहीं दिखता, वो कभी सेवा नहीं खुदा की कर पाएंगे। जो काम को देखकर सेवा को देखकर शिपे, वो भी प्रभु का काम और शुभ समाचार कभी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? जब नहेम्या के पास यरूशलेम से लोग पहुंचे, सुना उसने ध्यान से उन लोगों को और उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, और लोगों को भी बताओ जो मुझसे भी बुद्धिमान है, जो मुझसे भी पावरफुल है, मैं ही क्यों। उसने नहीं ये बातें कही। वो जब उसको पता चला कि यरूशलेम में ये बातें हो रही है, ये काम हो रहे हैं, शहर पना टूटी हुई, फाटक जले हुए, वो बैठ गया। बाइबल बताती वो बैठ गया और रोने लगा और कई दिनों तक ना तो खाया ना पिया, सोग में बैठा था। ये एक जिम्मेवारी जो एक जिम्मेदार की एक निशानी होगी, वो प्रभु के कामों को लेकर सीरियस रहेगा। और जब भी उसको प्रभु का काम दिखाई देगा, सुनाई देगा, वो सीरियस हो जाएगा और उस कामों के लिए निकलने की योजना बनाएगा। हालेलुया। नहेम्या बैठ के रोने लगा, हाँ, और उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। अगर उसकी पूरी जिंदगी को देखो तो वह एक सरकारी ऑफिसर था, सरकारी जॉब के ऊपर था। उसका जाना, उसकी जॉब खतरे में थी। समझ रहे हो मेरी बात को? उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी क्या थी? खतरे में थी अगर वो वहां से निकलता। लेकिन उसने अपने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया, दुखी हुआ कि हाँ,
मैं परमेश्वर के काम के लिए निकलूंगा, चाहे मुझे अपने काम को, अपनी ड्यूटी को कुर्बान करना पड़े प्रभु के लिए, अपनी सरकारी जॉब को कुर्बान करना पड़े प्रभु के सामने। लेकिन आप प्रभु की सेवा करो और प्रभु आपकी पेशी करेगा, प्रभु आपको शर्मिंदा करेगा? नो, प्रभु आपका आदर करेगा। बाइबल बताती है प्रभु आपकी सेवा को देख के आपका आदर करेगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है आगे नहमिया जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया वो राजा के सामने गया, राजा ने भी उसकी मदद की। उसने कहा यहां से कुछ सफाई, कुछ सैनिक ले जा अपने साथ, जो तेरी रास्ते पे निगरानी हिफाजत करेंगे, जो तेरी मदद करेंगे। उसको वो डरा नहीं कि मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी। वो राजा के सामने गया और ये प्रार्थना करके गया कि राजा के मन को हलीम करना, राजा के मन को प्रभु तू बदलना, ये प्रेयर करके गया। उसकी यौप भी बच गई, उसको हेल्पर भी दिए गए। हाँ या ना? और फिर वो प्रभु के कामों के लिए निकलता है। हालेलुया। क्या आप सोचते हो 5,000 को खाना खिलाना, सिर्फ 5,000 में से एक ही बच्चे के पास रोटी थी? बोलो। लेकिन उसने कहा मेरे पास कुछ है, ले लो, मेरे पास कुछ है। उसने थोड़ा भी नहीं रखा, उसने दे दिया सिर्फ। और प्रभु ने उस थोड़े में से आशीष डाली, बरकत डाली और हजारों को रजाया। रजाने के बाद 12 टोकरे रोटियों के बच गए। हालेलुया। 10 बंदे जा सकते थे पिलातुस के आगे प्रभु की लाश को मांगने के लिए, लेकिन एक ही बंदा उठा जिसने प्रभु की लाश को मांगा। लाखों हजारों लोग मिस्र से छड़ाकर मूसा लेकर आया, लेकिन दो व्यक्ति मिस्र में पहुंच पाए। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हजारों में से हजार लोग इस्तेमाल नहीं होंगे, हजारों में से वो ही इस्तेमाल होंगे जो अपने आप को रिस्क में डालेंगे और रिस्क लेकर प्रभु की सेवा के लिए निकलेंगे, जो प्रभु के कामों की चिंता करते हैं। ये चिंता नहीं, हाँ चर्च नहीं लग रहा, ये चिंता भी होनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन में इस माहौल में आपने एक भी जन को, एक भी पर्सन को ना तो अपनी अगवाही बताई, ना ही शुभ समाचार बताया, ना ही आपने इंटरनेट के ऊपर मीटिंग को अटेंड किया, ना ही किसी को आकर्षित किया। कौन इस्तेमाल हो पाएगा प्रभु के कामों के लिए? जिनको ख्याल है कि हाँ मैं शुभ समाचार के लिए निकलूंगा, जिसको परवाह नहीं है कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, वो अपनी अगवाही से स्टार्ट करेंगे, प्रभु के शुभ समाचार को बीच में डालेंगे और शुभ समाचार से शुरू करेंगे और शुभ समाचार से ही खत्म करेंगे और वो हजारों को बचाने वाले होंगे। आज हर बंदा सेवा करना चाहता है लेकिन वो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता। हर बंदा सेवा करना चाहता है
लेकिन वो प्रार्थना नहीं साथ साथ करना चाहता। हर बंदा चाहता है कि मेरी हजारों में वैल्यू हो, हजारों लोग मेरे को सुने, हजारों लोग मेरे को मेरे फॉलोअर हो। लेकिन वो परमेश्वर के सामने समा नहीं गुजारना चाहते। कहते कई दिनों तक उसने ना खाया ना पिया और परमेश्वर के सन्मुख बैठा रहा और अपने प्यो दादों की गलतियों को परमेश्वर के सामने रखा, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखा और उसके बाद उसने राजा के लिए प्रार्थना की। यहां पे प्रेयर बताई गई है उसकी। हालेलुया, हजारों लोगों में से हजार बंदा नहीं खड़ा होगा, हजारों लोगों में से आप में से सिर्फ कुछ लोग होंगे खड़े जो प्रभु के कामों को अच्छी रीति के साथ कर पाओगे। हालेलुया, जो दिन रात प्रभु के वचन पे ध्यान करते हैं, जो दिन रात प्रभु के कामों के लिए सोचते हैं और करते हैं, वो एक अच्छे सर्वेंट है, एक अच्छे सेवादार है वो। यानी पास्टर को देखकर दरी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, पास्टर को देखकर इधर उधर के काम करने स्टार्ट कर दिया और पास्टर कहे कि ये वो काम कर दे फिर आप करो, ये सेवा नहीं। कोई देखे चाहे ना देखे आप फिर भी सेवा में लगे हुए हो, ये सेवा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर को दिखाने के लिए सेवा करो और उस सेवा में फल होगा, उस सेवा में आशीष होगी, उस सेवा में बरकत होगी। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और वो तो बंदा कर ही नहीं पाएगा जो चंगाई के पीछे पीछे घूमता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, अपना मन बदलो, संडे बताया था, तोबा करो, मन बदलो और प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो जाओ। आप प्रभु के काम करोगे, प्रभु आपके काम करेगा। आप प्रभु के कामों का बोझ लेंगे, प्रभु आपके कामों का बोझ लेगा। आप प्रभु के कामों के लिए खड़े होंगे और निकलेंगे, प्रभु भी आपके कामों के लिए खड़ा होगा और आपके कामों के लिए निकलेगा करने के लिए। हालेलुया, एक मिरेकल हुआ, चलो ठीक है, आपने विश्वास दिया, प्रभु को माना, प्रभु प्रभु के ऊपर आपका विश्वास है, आप सेवा करो भाई, आप सेवा में लग जाओ। प्रभु एक काम कर सकते हैं, हजारों काम भी आपके कर सकते हैं। नहीं, पहले काम चाहिए, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ, पहले काम चाहिए लाइफ में, पहले मिरेकल चाहिए, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आप ऐसे सेवा नहीं कर पाओगे। आपको मिले चाहे ना मिले, आपने एक डीट की तरह आपने लगे रहने हैं प्रभु के सामने, प्रभु के सन्मुख जाना है। कुछ मिले चाहे ना मिले, हालेलुया, हालेलुया। बुलाए तो आप सभी गए हो, क्या आप सेवा के लिए चुने गए हो? बुलावा तो सबको आया है कि यीशु मसीह ने बुलाया है, बुलावा तो सबके लिए आया है कि आज चर्च ओपन हो रही है, बुलावा सबको आएगा। लेकिन क्या प्रभु ने आपको अपने कामों के लिए चुना है या नहीं? आज से ये प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, जहां जहां तेरे काम रुके हुए वहां वहां मैं खड़ा हो जाऊं। अगर मेरे पास पैसे की हेल्प नहीं है तो मैं प्रेयर की हेल्प कर सकूं एक मिनिस्ट्री को,
अगर मेरे पास प्रेयर नहीं है तो मैं पैसे से सपोर्ट कर सकूं चर्च की। कुछ ना कुछ खुदा ने आपको दिया है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। कोई ना कोई चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात को? हजारों में से एक बंदा लाश मांगने जाता है, हजारों में से है ना 5,000 में से एक बच्चा जाता है कि मेरे पास क्या है। हाँ, इतने लोग इधर उधर, सिर्फ नहमिया के पास ही वो वचन पहुंचता है। आपके पास कुछ है जो आप प्रभु के कामों के लिए लगा सकते हो। आपके पास कुछ है। अगर पैसा प्रॉब्लम है तो आपके पास इतनी प्रेयर है कि आप दिन रात हर एक दास के लिए, हर एक मिनिस्ट्री के लिए, हर एक पास्टर के लिए रात दिन प्रार्थना कर सकते हो। ये आपके पास। अगर प्रार्थना नहीं है तो आपके पास पैसा है जो आप प्रभु के कामों के लिए, शुभ समाचार के लिए, कुछ चीजें चर्च को लेकर दे सकते हो। मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में प्रभु ने दिया है ज्यादा, उसी काम उसी चीज के द्वारा परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। कुछ ना कुछ आपके पास है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखो कि मैंने हजारों में से वो लोग बनना है, हजारों में से। जो प्रभु के लिए काम आ सके, प्रभु के शुभ समाचार के लिए काम आ सके, मैं वो पर्सन निकल रहे। शरीर जहां पे रह जाएगा जिसके लिए आज आप रो रहे हो। ये रूह निकल गया, ये शरीर खाक है, मिट्टी है ये, और मिट्टी में मिल जाएगा। और रूई है जो आपने रूह सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना और सेवा की है, वो आपका जाएगा प्रभु के पास। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर आपके पास कुछ है तो प्रभु की सेवा में लगाओ। आप प्रभु के कामों की ओर ध्यान करो, प्रभु आपकी ओर ध्यान करेगा। आपकी कभी भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपको कभी भी हानि में नहीं डालेगा, आपका फायदा ही फायदा होगा जब आप प्रभु के कामों के लिए निकलोगे। आमीन। छोटे से मैसेज, खुदावंद आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ सब जन, उठाओ उठाओ अपने हाथों को। वर्शिप में जाएंगे, मैं नूरों दिया गला।
हालेलुया। कितनों को समझ आया? आपने सेवा के लिए निकलना है, आप जिम्मेवार तब बन सकते हो जब आप प्रभु के कामों के लिए भोज रखते हो और प्रभु की सेवा के लिए आप एक भोज के साथ बैठते हो प्रभु के आगे, आप फिर प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हो। यानी कि आप पढ़े लिखे हो, आपको बाइबल ज्यादा आती है, मुसीबत देखकर डर जाना और ड्राकल व्यक्ति सेवा नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम आई, सेवा कहां गई पता ही नहीं। हाँ, कोई बीमारी आई, सेवा कहां गई पता ही नहीं। कुछ आपको सेवकाई में हजारों सेवा में कर रहा हूं, हजारों विपताओं का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वो आपके सामने आएगी लेकिन आप आपके जीवन में बड़ा अटैक नहीं कर पाए। अगर आप प्रभु की सेवा का मन बना चुके हो कि मैं प्रभु के शुभ समाचार को लेकर जाऊंगा, मैं प्रभु के कामों को करूंगा, हालेलुया। या छोटा सा मैसेज मेरा कि आपने सिर्फ बिलीवर इसलिए नहीं बनना कि आपको चंगाई मिल गई, बिलीवर इसलिए बन रहे कि आप दूसरे लोगों का भी ध्यान रख सको, दूसरे लोगों को भी छुड़ा सको और दूसरे लोगों को भी सुसमाचार सुना सको। हालेलुया। चंगाई तक सहमत नहीं हूं मैं, चंगाई हर चर्च का हिस्सा हो सकती है, प्रभु के नाम में चलना एक हिस्सा हो सकता है चंगाई। तरक तरक सब कुछ जो भी हमें चाहिए ये हिस्सा है, जब हम प्रभु में चलते हमें मिलता है। हालेलुया। लेकिन इसी को ही ठान के रखना कि मेरे को चंगियाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं करना चाहता, ये बात गलत है। अब गोता परमेश्वर के दास लोगों के ऊपर, नबियों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर इतनी विपता आई लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के कामों को करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उनको ये कबूल है कि हाँ हम मुसीबत को फेस करेंगे और खुदा के काम को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये कबूल है, ये फैसला है आपका, कि आप खुदा के कामों को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा के काम के लिए खड़े होंगे, शुभ समाचार के लिए खड़े होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता सेवा करने में, कोई शुभ समाचार फैलाने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है कि फैसला करो, ये एक हिस्सा है, मैं कह रहा हूँ एक हिस्सा है चंगाई, एक हिस्सा है तरक्की, एक हिस्सा है, मिल जाएगा जब हम प्रभु की सेवा में निकलेंगे, मिल जाएगा। और सिर्फ सारी उम्र तरक्की को खोजते रहना, चंगाई को खोजते रहना, ये तो भाई अपने आप को आप धोखा दे रहे। हालेलुया। आपने खोज करनी है तो प्रभु के राज्य को बढ़ाने की, कैसे बढ़ सकता है, कैसे शुभ समाचार फैल सकता है, कैसे लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा सकते हैं हम, इस बात की खोज करनी है, ना कि चंगाई। मैं कह रहा हूं वो हिस्सा है, आपको मिल जाएगा।
हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करो। भीड़ ना बनो, भीड़ में से वो लोग निकलो जो भीड़ में से इस्तेमाल होते आए हैं। लोग एक बच्चे ने भीड़ में से अपने आप को इस्तेमाल किया प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। इतने लोगों में से नहमिया ने इस्तेमाल किया अपने आप को। वो बोल सकता था मैं अकेला ही हूँ, तुम्हें दिखता कोई किसी और के पास दो, मैं तो जॉब कर रहा हूँ सरकार आरामदायक कुर्सी के ऊपर, मैं क्यों करूँ खुदा का काम? कोई और देखो मेरी जॉब का सवाल है, मैं सरकारी जॉब के ऊपर हूँ, अगर मैं आज छुट्टी लेकर चला गया मेरी जगह और आ जाएगा, मेरी नौकरी खतरे में, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, उसने अपनी नौकरी को खतरे में डाला। हालेलुया। आज अगर आप प्रभु के लिए कुछ कुर्बान करते हो तो प्रभु भी आपको दिल खोल के देगा, परमेश्वर भी आपके लिए दिल खोल के सर के फाटक खोल देगा। आमीन। अपने कदमों में खड़े हो जाओ, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो। अगर समझ आ गया उस बात की खोज करो जिसमें आप रूहों को बचा सकते हो, उस चीज के लिए खड़े हो जो प्रभु के कामों के लिए है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो। मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दो मिनट अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेते हुए उठाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पैसा तेरे सुसमाचार के लिए लग पाए, ये तेरे कामों के लिए लग पाए पिता, ये तेरे सुसमाचार के लिए आगे प्रभु जाए पिता। सामर्थ्य परमेश्वर इस पैसे को मैं ब्लेस करता हूं, इस पैसे को मैं ब्लेस करता हूं, पवित्र कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। आप अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हो, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। और दो मिनट के लिए प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। कब्र आज का वचन जो मैंने सुना इसके मुताबिक अपनी लाइफ को खड़ा कर सकूं, अपनी जिंदगी को खड़ा कर सकूं। अगले दो मिनट प्रार्थना करो सब। करो करो प्रार्थना हर एक सर। करो प्रार्थना हर एक जन। प्रभु मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, मैं खड़ा होना चाहता हूं तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए निकलना चाहता हूं। जो लोग पाप में डूब रहे हैं, पाप में बर्बाद हो रहे हैं, पति उनके सर के ऊपर है, मैं वहां जाना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि एक परमेश्वर है, एक खुदा है जो आपके पाप को माफ कर सकता है और आपको शिफा दे सकता है, आपकी पति को धो सकता है और आपको खड़ा कर सकता है, आपको शांति दे सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है। सब अपने हाथों को उठाते हुए उठा अपने हाथों को हर एक जन। अपने आपको तैयार करो परमेश्वर की सेवा के लिए।
अच्छे विश्वासी आपकी निशानी हो, अच्छे विश्वासी मैं कह रहा हूं आपकी निशानी हो। अच्छे विश्वासी मैं कह रहा हूं आपकी निशानी हो। अच्छे विश्वासी आपकी निशानी हो। खतरों से लड़ने वाले आपकी निशानी हो। ओज आवाज में अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा करते हुए बोलो प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं सिर्फ समाचार को लेकर जाना चाहता हूं। मुझे ऐसा बना। ऊंच आवाज में हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु मैं अपने जीवन की हर चीज से तेरी महिमा करूं, हर चीज से तेरे शुभ समाचार को फैलाऊं। बोलो बोलो हर एक जन कि मेरे साथ जो भी चीजें जुड़ी हैं, मैं शुभ समाचार के लिए लगाऊं, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। अपने हाथों को उठाओ, अगले दो मिनट ये प्रार्थना करो। हाथों को उठाते हुए सब जन उठा उठा अपने हाथों को परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। उठाओ उठा अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में मेरे को मजबूत कर खुदावन। मैं मुसीबत आने मैं पीछे ना हटूं, खतरा देखकर मैं पीछे ना भागूं, मैं आगे बढ़ूं तेरा नाम लेकर। तेरे नाम से मैं आगे बढ़ूं, तेरे नाम से मैं आगे जाऊं, तेरे नाम से मैं सुसमाचार लेकर जाऊं। मैं डराकर नहीं, मैं विश्वास करूं किसी भी जान में हूं, मैं विश्वास करूं कि तू मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन उठा अपने परिवारों के लिए हाथ कि प्रभु मेरे परिवारों को तो इस्तेमाल कर। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना तेरे शुभ समाचार को आगे लेकर जाएंगे। ऊंची आवाज में अपने परिवार के समय तेरी सुसमाचार के लिए आगे बढ़ूंगी पढ़ूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार लेकर जाऊंगा। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन ऊंची आवाज में प्रेर करो। ऊंची आवाज में मैं कह रहा हूं मेरा परिवार तुझे उधार करता माने, मेरा परिवार तुझे मुक्ति दाता ग्रहण करे। प्रभु मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं करती हूं कि मेरे परिवार को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे।
ऊंची आवाज में प्रे करो कि मैं हजारों में से वो बनना चाहता हूं जो तेरे कामों के लिए खड़े हुए। मैं तेरे कामों के लिए चिंता लेना चाहता हूं, तेरे कामों के शुभ समाचार की चिंता लेना चाहता हूं प्रभु। मैं हजारों में से निकलना चाहता हूं, मैं भीड़ में से निकलना चाहता हूं और खड़ा होना चाहता हूं तेरे कामों के लिए। ऊंची आवाज में आवाज में तो मैं हजारों में से निकलना चाहता हूं तेरे सुसमाचार करने के लिए। सुनो, आपके नगर में आप हो सकते हो प्रभु के अच्छे सर्वेंट, अच्छे विश्वासी, एक अच्छे विश्वासी की कुर्सी में आप हो सकते हो अपने नगर में, और आप उस कुर्सी पे हो जिस कुर्सी से आप हजारों को बचा सकते हो। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप विश्वासी की कुर्सी पे हो सकते हो, एक पास्टर की कुर्सी पे हो सकते हो, एक प्रॉफिट की कुर्सी पे हो सकते हो। आने वाले दिनों में मेरी ये प्रार्थना है कि आपके मोहल्ले में, आपके नगर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, हीलिंग प्रेयर के लिए तैयार करो इस वर्ष में आपको, अपने आप को, अपने हाथों को उठाओ सज्जन। हीलिंग प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करो इस वर्ष के दौरान। ऊंची आवाज में अपने आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए मन ही मन प्रार्थना करो। कदे पाप के यीशु देख देने, ना करो पाप, कदे पाप के यीशु देख देने। सब वर्षिप करो अगले 10 मिनट तक, ना करो आप आपको तैयार करो इस वर्षिप के दौरान। सब वर्षित करो
लोकसभा में आपको तैयार करूं। अगले दो मिनट में आपके ऊपर प्रार्थना करने वाला हूं। इस वर्षिप के दौरान अपने आपके मन को भूलो बोलो परिवार की ओर हाथ बढ़ाओ, उनके जीवनों की ओर हाथ बढ़ाओ जो बीमार हैं, जो सही से चल नहीं पाते, जो सही से सुन नहीं पाते, जो सही से देख नहीं पाते, जिनकी पाचन शक्ति कम है, रोटी को खाते हैं लेकिन पचती नहीं है। अपने हाथों को उठाओ फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फायर होली गॉस्ट फायर। हर तरह की बीमारी आपको छोड़े, हर तरह की दर्द आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। Be free in the name of Jesus. Be free. Holy Ghost. 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 Fire. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire in the name of Jesus! बीमारियों के ऊपर फायर मांगो। एक एक पर्सन को मैं देख रहा हूं जो रोटी खाता है पचती नहीं है, लिवर प्रॉब्लम, जितने मेरे को सुन रहे हैं लिवर प्रॉब्लम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट। आप जो खाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो पचेगा। उठा अपने हाथों को सज्जन। कानों के रोगी, कानों की सुनने की शक्ति बढ़े। आंखों के रोगी, आंखों की रोशनी की शक्ति बढ़े। प्रभु का हाथ आपकी आंखों पे आए, आपके कानों पे आए, आपके सर के ऊपर आए। उठा अपने हाथों को और फायर लीज करो, फायर लीज करो, ऊंचे आवाज में फायर लीज करो। यीशु मसीह का नाम लेते फायर लीज करो यीशु मसीह के नाम में।
रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आंखों के रोग की हीलिंग बोले, कानों के रोग की हीलिंग बोले, टांगों के रोग की बल पकड़े, आपकी हड्डियां पल पकड़े, आपका शरीर पल पकड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हर याद बिना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकले पार यीशु मसीह के नाम में। हर याद बिना अगर हर तरह का याद उठना यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी से आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire, fire Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire Holy Ghost. Oh, ra ba 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 ba. Libriyanda na marana shikhande ne more na sa, ruanda na na khande ne more na sekhele ne khande ne more na sa. Likhara khonde ne likhamandi ne more na sa. Likhana bhul re mai ne sekhende ne more na sekhande ne more na sa. जो शरीर में सूजन है यीशु मसीह के नाम में खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शरीर में सूजन है, शरीर का सूज जाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ठीक हो, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के स्टोन्स पत्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खत्म हो, कैपो गिल्टियां कैपो यीशु मसीह के नाम में। बच्चेदानी के रोग जाए यीशु मसीह के नाम में, गर्भ के रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची, आमीन ऊंचा आशीष ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची यीशु मसीह के नाम में। ओ रा बा 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 शिखम तेरे मोरे बसा। अरे बा 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 शिखम तेरे मोरे बसा। लिप्री अंदा ना मरा ना शिखम तेरे मोरे बसा। अरु अंदा ना मरा ना शिखम तेरे मोरे बसा। जितने भी हॉस्पिटल में बीमार हैं, कोरोना वायरस के मरीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसके लहू के द्वारा तंदुरुस्त और अपने घर में लौटे यीशु मसीह के नाम में। किसी भी तरीके का रोग हॉस्पिटल के मरीजों के ऊपर अपने घर में लौटे यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में। उनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में, उनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके कामों का इंतजाम करे, परमेश्वर आपको नए काम दे, आपको समझ और बुद्धि दे, पवित्र आत्मा दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में ऊंची आवाज में आमीन बोलो, आमीन बोलो, ऊंचा ऊंचे स्तर से आमीन बोलो, आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपने लगातार प्रार्थना में रहने प्रभु के साथ संबंधित,
प्रभु के साथ रहना है, रिश्ते में रहना है। जो भी चीजें परमेश्वर आपको दे वो सिर्फ परमेश्वर उसकी देख कर सकते हैं, उसकी रखवाली कर सकते हैं। तो अपने प्रभु के शाही के नीचे रहना है, उसके पंखों के नीचे और लेनी है, पंखों के नीचे रहना है ताकि आपकी आशीष भी संभाली रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने चाहा फिर से मिलेंगे संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। वर्शिप में जाएंगे हम सब। वर्शिप मेनू रो दिया गल्ला तो सिखा दे नाज़री, मेनू रो दिया गल्ला तो सिखा दे नाज़री। परमेश्वर की आराधना के लिए अपने हाथ उठा के जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर के सब कमा।